बॉलीवुड के किंग खान उर्फ शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं, क्योंकि वह पूरे 4 साल बाद जो सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, इसलिए फैंस उनकी फिल्मों को देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे हैं। और जैसा कि सब जानते ही है कि SRK ने अपने बर्थडे के दिन पर अपनी मच अवेटेड फिल्म पठान का टीजर रिलीज किया था, जो दर्शकों को खूब पसंद भी आया था। वही किंग खान की दूसरी फिल्म जवान भी अगले साल यानी साल 2023 में रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म पर मुसीबतों के बादलों का साया मंडराने लगा है। दरअसल शाहरुख की फिल्म जवान को लेकर एक तमिल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने केस दर्ज कर दिया है, और वो भी क्यों, चलिए आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिकम नारायण नामक के एक प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल में फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका मानना ये है कि फिल्म जवान की कहानी पेरारासु की कहानी से हूबहू कॉपी है, इसलिए ऐसे में तमिल प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने 7 नवंबर के बाद प्रोड्यूसर की शिकायत पर जांच करने का विचार किया है। अब क्या वाकई शाहरुख की फिल्म जवान एक तमिल फिल्म की कॉपी है, ये तो आने वाले दिनों में क्लियर हो ही जाएगा। और वैसे भी आजकल तो बॉलीवुड में साउथ की रीमेक बनाने का भूत सवार है, तो ऐसे में अगर जवान भी कॉपी निकलती है तो ये बॉलीवुड के चार्म को कम करती नजर आएगी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट जगत की तमाम अप टू डेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।